अतः कक्षा 11th इंटरमीडिएट विज्ञान ये कल हो गया आर्ट्स या कॉमर्स साइंस मॉडल प्रश्न पत्र 2023 में कितना में 2023 से संबंधित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं से आग्रह है कि कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी जैक द्वारा जारी किया गया अधिकारी मॉडल प्रश्न पत्र एवं संशोधित सिलेबस के आधार पर ही करें। मतलब आपको जो तैयारी करना है वो 2023 के मॉडल सेट पर ही आपको तैयारी करना है। 9th, 8th, 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बात बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो वेलकम बैक। खास करके वैसे स्टूडेंट जो 8th क्लास, 9th क्लास या 11th क्लास में होंगे वे स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही एकदम इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपके मैं मॉडल सेट के बारे में और मैं बताऊंगा कि अब आपको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अब मार्च में तुरंत आपका एग्जाम होने वाला है विद्यार्थी, तो कैसे कैसे आपकी तैयारी होगी टोटल आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम झार अपडेट पर है जहां पर आप मॉडल सेट प्राप्त करते हैं, ठीक है, जहां से आप मॉडल सेट डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 का अगर डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद ध्यान से देखेंगे हम क्या मैं बता रहा हूं कि जैसे मैं क्लिक किया तो मैं यहां पर आपका आ गया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको देखिए कि मॉडल पेपर 2024 दिखाई दे रहा होगा। मॉडल पेपर 2024 को अगर हम यहां पर किसी भी क्लास को अगर यहां पर जैसे 10th क्लास को अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहां से आसानी से क्या कर सकते हैं 10th क्लास का जो है मॉडल सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 2024 का है। इस पर ध्यान दीजिएगा क्या 2024 मॉडल पेपर 2024 लिखा हुआ, ठीक है। अब विद्यार्थी ये 10th क्लास की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर अगर हम 9th का या 8th का या 11th का अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐसे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अब क्लिक करें यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ सूचना आपको लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सूचना कुछ आपको लिखा गया है और यहाँ पर जब आइएगा तो आपका मॉडल सेट भी है, लेकिन मॉडल सेट जो 10th क्लास में 2024 लिखा गया था, ठीक है, वो 2024 ना करके कितना है 2023 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2023 जो आपको दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2023 क्यों है और मॉडल सेट भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था कि आप क्लिक करेंगे तो आपका आसानी से मॉडल सेट आ जाएगा। तो सूचना क्या है यहाँ देखिएगा, करें कक्षा 11वीं, सिर्फ 11वीं की बात नहीं हो रही है, जो 8th में है, 9th में है, 11th में उसकी भी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर टोटल हम आपको पढ़ करके बात बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। करा कि जैक कक्षा 11वीं है ना, जैक कक्षा 11वीं विज्ञान का है, चाहे वो विज्ञान का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ठीक है, का मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा संशोधित सिलेबस एवं करा है कि संशोधित सिलेबस एवं परीक्षा पैटर्न के आधार पर सत्र 2022-23 के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। मान लीजिए करा कि आपका जो मॉडल सेट तैयार होने वाला है वो 2022 और 23 के ही आधार पर तैयार किया जा रहा है जैक द्वारा, जैक कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा स्कूली विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार न्यूनतम पैटर्न एवं सिलेबस के आधार पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जैसा आपको बताया गया था पहले उसी पर होगा। झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी सरकारी व निजी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आप चाहे प्राइवेट से है चाहे आप सरकारी से है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेन बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको हेडलाइन बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसको देखो। मेन हमको ये चीज बताना था आपको, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, सब कोई देखेगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा कि अतः कक्षा 11th इंटरमीडिएट विज्ञान ये कल हो गया आर्ट्स या कॉमर्स साइंस मॉडल प्रश्न पत्र 2023 में कितना में 2023 से संबंधित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं से आग्रह है कि कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी जैक द्वारा जारी किया गया अधिकारी मॉडल प्रश्न पत्र एवं संशोधित सिलेबस के आधार पर ही करें। मतलब आपको जो तैयारी करना है वो 2023 के मॉडल सेट पर ही आपको तैयारी करना है। 9th, 8th, 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बात बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब जो करा कि अपने 11वीं की कक्षा के सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र को नीचे दिए गए लिंक पर आपको वो दिया गया, वहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी जैक ने सिर्फ क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक से मतलब नहीं है। मतलब आपको किस चीज से है कि आपको अगर मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए तो 2011 जो 2023 वाला जो है उसी को से आपको तैयारी करना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, इसी से आपका तैयारी होगा। तो इसमें आपका है क्या चीज विद्यार्थी, आपको किसी एक इसमें तो एक ही सेट दिया गया था, लेकिन मैं मॉडल सेट में 5-5 सेट निकाल चुका हूँ, रेडी कर चुका हूँ। आप इसको अगर देखेंगे विद्यार्थी, ध्यान से देखेंगे एक मिनट, ठीक है, इसमें आपका ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका कितना सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की संख्या मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इधर आपका दिया हुआ है,
ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित आपको सारा चीज तैयारी करना है। देख लीजिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है 40, तो 40 टोटल क्वेश्चन आपको क्या करना है, तैयारी करना है। बात समझ गए, टोटल आपका क्वेश्चन कितना होगा 40 होगा, ठीक है, और पिछले सिलेबस पर ही तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए आप लोग रेडी हो जाए। चलिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो था, इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।